subscribe now and press the bell icon. Never. पंजाब से यहाँ इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं। धन्यवाद किसान साथियों। सीएनडी वाले नितर नोट करना, पंजाब के कलाकारों को बॉर्डर से रोक रखा। ਕਰਨ ਨੇ ਇਹੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭੀ ਇੰਡੀਆ ਕੇ, ਹਮ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, हम डेली धरनों में जा रहे हैं। जो भी धरने किसान यूनियन के लग रहे हैं, चाहे रेल रोको आंदोलन है, चाहे रिलायंस का बाइकाट है, जियो का बाइकाट है, या फिर टोल प्लाजे रोके जा रहे हैं, सो ये सभी जो गतिविधियां हैं हम इनमें साथ दे रहे हैं सरकार का। सभी को यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये हमारे खेत जो हैं छीनने की साजिश है सरकार की, सेंटर सरकार की, बीजेपी की। सो ज़रूरत है सारी यूथ को, बुज़ुर्गों के साथ रलकर हम ये जंग लड़ें। अभी अगर किसानों को फ़ायदा होना हो तो इतने किसान सड़कों पे क्यों आए? इनको ज़्यादा पता है ना, सरकारों को थोड़े पता है किसानी के बारे में, किसानों को पता है। विपक्ष में तो सरकार होती है, यहाँ तो किसान जथेबंदियाँ हैं सारी हैं, किसान यूनियन के धरने हैं जी, कोई विपक्ष के नहीं है जी। विपक्ष की तो रैली आटा अलग हो रही है जी। मैं एक के दा सुनेहा लेके आया हैं, क्योंकि किसान का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, किसान का धर्म हैगा किसानी। अज साडी किसानी है जिहड़ी केंद्र दी सरकार ने सीधे तौर ते उहनूं ढाल लई है, क्योंकि साडे खेतां नाल साडा इतिहास जुड़िया है। वो खेतां लई सानूं जिथे तक मर्जी जाना पवे असीं जावांगे, ते हरियाणे नूं नाल लैके चलांगे। अगली रणनीति पंजाब ते हरियाणा इकट्ठा होके यह लड़ाई लड़नगे। दिल्ली तक जाना पिया दिल्ली तक भी जावांगे, धरने लाने पे धरने भी लावांगे, जिहदा जिहदा बाईकाट करना पिया सब का बाईकाट करांगे, रिलायंस का बाईकाट करांगे, जितों तक अंदोलन की भलाई लिए करना पिया सब कुछ करांगे। खास करके मैं नौजवानों नूं सुनेहा देण आया भी आपां इक होके लड़ीए। अज तक ये लड़ाई अपने बजुर्ग लड़ते रहे, अज टाइम अपना है, आपां ये लड़ाई बजुर्गों के मोढ़े नाल मोढ़ा ला के लड़ना। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ।
साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता की स्पेशल रिपोर्ट। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है सिरसा के अंदर जहां पर किसानों का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। तीन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आज हरियाणा के जो किसान है एक साथ इकट्ठा होकर सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करेंगे। वही दूसरी ओर बिजली मंत्री रंजीत सिंह के घर का भी घेराव आज किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ पर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ कि पीछे कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं और उनकी एक ही मांग है ये तीनों कृषि अध्यादेशों की वापसी और इस कानून को किसी ना किसी तरह से रद्द करवाने की मांग की जा रही है। उनका कहना यही है कि ये जो बिल है वो किसान विरोधी बिल है, ये जो किसानों को कहीं ना कहीं आहत कर रहा है। तो आप पीछे मंच की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वहां पर भी बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर बैठी हुई है जो इस बिल के विरोध के अंदर है। अभी यहाँ पर पंजाबी सिंगर भी आने वाले हैं जो इस MSP जो है इसके विरोध के अंदर वो भी इस तीनों कृषि अध्यादेशों के खिलाफ है और वो किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ सिरसा से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किसानों कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं। ये मैं आपको ग्राउंड के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हूँ और ग्राउंड के बाहर भी इतनी ही ज्यादा भारी भीड़ है। पूरे जोर और शोर के साथ यहाँ पर आज किसान इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ यहाँ लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर आज यहाँ पर कितने सारे किसान इकट्ठा हुए तीनों कृषि अध्यादेशों के खिलाफ। रोज रोज नी लहरा उठदिया मुंडे सड़कों ते जिन्निया भी मारू नीतियां ने सेंटर च हुंदियां लागू ने जेड़े रात नू देखे होने ने हुण तेरे दिसणगे तारे नी तेरा वापिया है कीदे नाल तैनू दसांगे सरकारे सारे नौकर समझी बैठे ने क्यों खेतां दे राजियां नूं पिछले भी जख्म ने हरे हले रोइए की बह के ताजियां नूं जिहड़ा खंगिया उहनूं टंगिया है कदे पढ़ ली साडे बारे नी तेरा वापिया है कीदे नाल तैनूं दसांगे सिस्टम साडे लागू कर दिया अमरीका कनेडा का फेल सिस्टम आ फेल सानू कह गए अच्छी झोने वढ लो हर कणक बीज लो आ किसान यूनियन दे नाल सारे देश ने सारे किसानां ने पार्टियां बाजे तो उत्तर उठ के जाना आ मोदी पार्लीमेंट चो बाहर कढ़ना है गोटियां भरे बैठा हो आप खड़े हो बुजुर्ग नहीं खाने हूं और गोलियां मार लेना किन्ने के मार लगे और 3 लाख फौज है 80 करोड़ आ जाए किन्ने के मार लगे सो कट्ठे रहो कट्ठे करना है कट्ठे रहो जंग जितांगे लड़ाई लंबी आ जितनी जरूर आ।